हेलो एवरीवन, सो वेलकम स्ट्रेट टू द पॉइंट। को बहुत सारे अलग अलग सवाल आ रहे हैं, टू मेनी क्वेश्चंस ड्यूरिंग दिस कोरोना फेज। सवाल ऐसे है कि क्या सर्विस पे जाना सेफ है, कैन आई ऑर्डर न्यू हेयर सिस्टम, इफ आई ऑर्डर न्यू हेयर सिस्टम इज इट सेफ ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस पीरियड। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, सो आई जस्ट थॉट दैट वी वुड मेक अ वीडियो सो दैट जस्ट टू गिव यू अ लिटिल क्लैरिटी दैट हाउ सेफ is wearing a hair system or how safe is wearing a new hair system or ordering a new hair system during this coronavirus period. So let's get started with a few questions. I'm going to create a little awareness regarding this. So what you need to know that CDC experts, मतलब Center of Disease Control के जो experts हैं, इन्होंने ये बताया है कि जो virus होता है ये सर्फेसिस पे सर्वाइव नहीं करता है, विच मीन्स दैट अगर आपका हेयर सिस्टम कोई भी कंट्री से आ रहा है, कहां से भी आपके सर्विस प्रोवाइडर्स ये इंपोर्ट कर रहे हैं या कहां पे भी बना रहे हैं, इसके चांसेस बहुत कम है कि वो हेयर सिस्टम में कोरोना वायरस हो। आप अज्यूम कर लीजिए कि 0.01 चांसेस अगर वो कोरोना वायरस वो हेयर सिस्टम के ऊपर है भी, तो जितना प्रोसेस लगता है इंपोर्ट करने में, यहाँ पे आने में, स्टोरेज में, उसको यूजुअली मिनिमम 6-7 डेज लग जाते हैं, जिसका मतलब कि वो कोरोना वायरस सर्वाइव नहीं करता है। लेकिन अभी आप जब सर्विस पे जाने वाले हो, थिंग्स आर गोना चेंज। आई एम गोना टेल यू अ फ्यू डूज एंड डोंट्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये आपके सेफ्टी के लिए है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उनके सेफ्टी के लिए भी होगा, तो प्लीज फॉलो दीज डूज एंड डोंट्स, लेट्स गो थ्रू इट। योर हेयर सिस्टम हैज टू बी डिप्ड इन स्टराइल सॉल्यूशन। इसका मतलब आप जहां पे भी अगर आपने नए पीसेज ऑर्डर किए, आपका कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, उनको प्लीज बताइए कि ये कंटेनर में अल्कोहल पूरा लिक्विड डाल के वो हेयर सिस्टम को डिप करिए। इससे क्या होगा, जैसे हमने पहले बताया कि 0.1% भी अगर चांसेस होते हैं वो मर जाएंगे, मतलब कोरोना वायरस फ्री हो जाएगा वो हेयर सिस्टम। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप आपके सर्विस प्रोवाइडर को बोलिए कि ये डिप करे, एटलीस्ट हाफ एन आवर एटलीस्ट डिप करिए और फिर ड्राई करिए और लगाइए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जहां पे भी सर्विस करते हो उनको प्लीज रिक्वेस्ट करिए कि जो भी टूल्स यूज करें, जैसे ब्रश होता है, ड्रायर होता है या कोई एप्लीकेटर होता है, ये सब आप जब सर्विस कर रहे हो उसके पहले उनको कहिए कि ये पूरा डिसइंफेक्ट करिए, और उसके बाद भी आपके सर्विस होने के बाद मेक श्योर कि वो डिप करें अल्कोहल में, ताकि देयर इज नो चांसेस ऑफ वायरस। सो जस्ट मेक श्योर दे फॉलो दिस प्रोटोकॉल, यूज ऑफ मास्क। सो ऑब्वियसली नीडलेस टू से ये तो हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना ही है, कि कोशिश करिए कि आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा उनको कहिए कि मास्क के बिना नहीं हम करवाएंगे सर्विस, और आप भी, आपको ऑफकोर्स आपको पता ही है कि ये मास्क पहनना है, सो मेक श्योर अगर वो नहीं पहने तो आप इंसिस्ट करिए कि आप प्लीज 3-ply मास्क यूज करिए, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो और उनको भी कोई तकलीफ नहीं हो। डिसइंफेक्ट द चेयर, आप जो चेयर पे बैठे हो अनफॉर्चुनेटली वो चेंज नहीं हो सकता है, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर को बताना होगा कि आप जब सर्विस कर रहे हो उसके पहले वो पूरा चेयर डिसइंफेक्ट करे, और आपके जाने के बाद भी वापस पूरा चेयर डिसइंफेक्ट करे, क्योंकि ऑब्वियसली चेयर बदलने नहीं वाला है। तो आप जहां पे जाने वाले हो ये समझ के चलिए कि वो चेयर पे पहले कोई और बैठा था, अगर उनके जो प्रीवियस क्लाइंट आए हैं उनके हाथ के द्वारा, उनके टच के द्वारा ही मे बी द कैरियर, और शायद उनकी वजह से आपको हो सकता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो चेयर है वो भी डिसइंफेक्टेड हो जाए आपके हाथ के सामने। अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटाइजर, ऑफकोर्स इसके बारे में आपको पता ही है कि जहां पे भी आप जाओगे मेक श्योर कि वहां पे वो सैनिटाइजर रखे हैं, आप जैसे एंटर करके आपका हाथ जो है वो पूरा सैनिटाइज कर दीजिए, उनको आपके सामने पहले सैनिटाइज करना चाहिए, ताकि ये छोटे छोटे प्रिकॉशनरी मेजर है, प्लीज डू दी स्मॉल थिंग, इट्स फॉर योर सेफ्टी। कैशलेस पेमेंट, रिसर्च के हिसाब से शायद नोट्स को टच करते वक्त भी शायद वो कोरोना वायरस स्प्रेड होने के चांसेस हो सकते हैं, सो आई सजेस्ट दैट कैशलेस पेमेंट्स जहाँ पे हो वहाँ पे, या उनको अगर वो नहीं लेते हैं तो उनको बोलिए क्या हम आपको पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, नेट बैंकिंग, नेट ट्रांसफर, तो कोशिश करिए आप यही तरीके के पेमेंट्स यूज करें जहाँ पे आपको नोट को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़े, और वो भी नोट को हाथ नहीं लगा रहे हैं, दिस इज प्योरली फॉर योर सेफ्टी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, होम सर्विस अगर पॉसिबल है तो प्लीज
आप आपके सर्विस प्रोवाइडर्स को रिक्वेस्ट करिए कि अगर आप वो आपको होम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको सैलून में जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको वो बंदा घर पे आ जाएगा और वो सर्विस कर देगा। सीधे में चार्ज यू अ लिटिल मोर फॉर ट्रैवलिंग, क्योंकि ऑब्वियसली उनका कॉस्ट भी बढ़ने वाला है, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। जब वो आपके घर पे आता है तो कुछ तरीके हैं, लाइक दे डू द टेम्परेचर टेक, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है वो भी एक मशीन आती है, ये सब आप घर पे रख सकते हो। Next point is keep washing your hair more often. Now a lot of hair system wearers obviously क्या होता है वो अपने बाल ज्यादा नहीं धोते हैं, क्यों, क्योंकि obviously hair system जब धोते हैं तो थोड़ा hair fall होता है, फिर उनको लगता है कि volume कम हो गया है, so which is justified. Normal scenario में आप इतना wash नहीं करते हो, it's fine. But during times like these, हो सके तो please wash it more often. मतलब पहले अगर हफ्ते में एक बार करते थे तो शायद दो बार कर सकते हो, या 10 दिन में एक बार करते थे तो आप 10 दिन में दो बार कर सकते। Increase the frequency of your shampooing your hair. आप बार बार अपने बाल को हाथ लगाना बंद करिए। बहुत बार क्या होता है, आदत पड़ जाती है कि बाल सेट करने की, बाल को हाथ लगाने की, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है। जब हम बाल को हाथ लगाते हैं, फिर हम नाक को हाथ लगाते हैं, कभी कभी मुंह को हाथ लगाते हैं, इससे चांसेस वापस बढ़ सकते हैं। सो प्लीज इफ पॉसिबल एक बार आपने सेट किया, शैम्पू किया, प्रोडक्ट लगाया, डोंट कीप प्लेइंग विद योर हेयर अगेन एंड अगेन, लीव इट द वे इट इज, शिफ्ट टू अ क्लिप ऑन हेयर सिस्टम। नाउ दिस इज अगेन वन ऑफ द पॉइंट्स दैट यू कैन कंसीडर। अगर आपको सर्विस, ये लॉकडाउन है, बहुत सारे सिटीज में वापस ये जब सेकेंड वेव आएगा शायद वापस लॉकडाउन हो गया एंड यू गेट स्टक। मैं समझता हूँ कि कितनी तकलीफ होती है, आप हेयर सिस्टम वेयरर्स हो और अभी सर्विस प्रोवाइडर सब बंद है या बहुत सारी जगहों पे बंद है, खुले नहीं है। ऐसे टाइम पे हम यही सजेस्ट करते हैं कि अगर पॉसिबल है आपका हेयर सिस्टम फॉर द टाइम बीइंग यू कन्वर्ट दैट स्टिकिंग वन इनटू अ क्लिप ऑन वन। इससे क्या होगा, आपको सर्विस पे नहीं जाना पड़ेगा, आपके सर्विस प्रोवाइडर को बता सकते हो कि इसको क्लिप ऑन में कन्वर्ट करिए एंड चेक इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑन। वेल अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सर्विसिंग ऑन योर ओन। हम बहुत ही शुरुआत से, right from the beginning, whichever client who has come, we always try to educate them ke aap seekhiye kaise tape lagana hai, kaisa remove karna hai, kaisa clean karna hai. I'm sure it's not difficult, this needs practice. To koshish kariye ke aap bhi abhi interest lena shuru kariye and you won't be in a panic situation agar ye lockdown ya koi city mein wapas ye hota hai, aapko takleef nahi hogi. Well, another very important point, आप अभी जो है अगर आपके सर्विस प्रोवाइडर्स थोड़ा रेट बढ़ाते हैं या बोलते हैं कि आपका 200 रुपया महंगा हो गया, 300 रुपया महंगा हुआ है, जो नेगोशिएट विद देम, ऑनेस्टली क्या होगा, देखिए उनका भी कॉस्ट बढ़ गया है, ऑब्वियसली दे हैव टू प्रोवाइड एल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन, स्टराइल करना पड़ता है, डिस्पोजेबल स्टफ लेना पड़ रहा है, और ये सब अगर आप इसे वीडियो कंसल्टेशन। Now this is a very very important point. Please understand के शायद अगर आप first time wearer हो या आप consider कर रहे हो hair system पहनना, या आप अभी next 2-3 months में decision लेने वाले थे कि हम hair system पहने, please it's a request if possible adapt yourself with that video consultation. हम बहुत ही ज़्यादा, मतलब दिन के hundreds of video consultation हम करते हैं, क्यों, क्योंकि इससे बहुत आसान हो जाता है। In our case, how it works is, हम लोग क्या करते हैं, video consultation में आपको एक list of questions मिल जाते हैं, आपको जब आप call करते हो, आपको वो questions answer करने हैं, उसके बाद आपको कुछ pictures भेजने हैं, and then we fix up an in-person video consultation. ये video consultation में आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, हमको समझ में आता है आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, और वो हिसाब से हम डिजाइन करते हैं, एक बार आप आपके मेजरमेंट भेजते हो तभी। एंड ट्राई टू गो फॉर वीडियो कंसल्टेशन। नाउ एंटायर स्कूल्स, कॉलेजेस सब ऑनलाइन एजुकेशन में आ चुके हैं, सो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल जब आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हो, इट्स एज गुड एज कि आप वन ऑन वन कर रहे हो। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग वीडियो कंसल्टेशन, ऑफकोर्स यू आस्क योर सर्विस प्रोवाइडर। इन आर केस यू कैन प्रोबेबली कॉल द नंबर 9222666111, they'll probably help you out and give you the necessary information. Well, इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी related questions है कोरोना वायरस के टाइम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोशिश करिए हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या सवाल है, हम कोशिश करेंगे कि इनका आंसर देने के लिए। अगर बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन होंगे, मे बी वी विल मेक अनदर वीडियो टू जस्ट क्रिएट अवेयरनेस। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना वायरस नहीं। So take care of yourself. We are happy to help you. आप कोशिश करिए, अगर आप कुछ भी और असिस्टेंट चाहिए
we, our executives, are trying to answer a lot of questions. Doesn't matter if you all are our clients or no, we are just here to help. So if you have any questions, please call on this number. They will try to help you all. Thank you so much. And please subscribe to American Airline. Thank you.